तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें ईयर 1862 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक नर्स को देख पा रहे हैं जिसे शहर से एक कमेटी ने बुलाया है। वो नर्स को बताते हैं कि हमारे गांव में एक लड़की है जिसका नाम एना है और उसने पिछले 3-4 महीनों से कुछ भी नहीं खाया है और स्टिल वो जिंदा है। कुछ लोग इस पर अंधविश्वास करने लग गए, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है कि तुम उस घर में जाओ और पता करो कि एना के सच में कुछ खाती है या नहीं, और अगर नहीं खाती है तो वो कैसे जिंदा है। नर्स जब एना से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ विजिटर्स आए हुए थे। पता चलता है कि हर रोज ही एना से मिलने के लिए कई सारे विजिटर्स उनके घर आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अंधविश्वास करने लगे थे। वो जब एना को चेक करती है तो शॉकिंगली एना बिल्कुल फिट थी और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आ रही थी जिसे देख करके ऐसा लगे कि उसने पिछले 3-4 महीनों से खाना ही ना खाया हो। खैर, वो जब उनकी फैमिली से मिलती है, उनके साथ रुकती है, तो उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली में एक छोटा बेटा भी हुआ करता था, पर कुछ दिनों पहले ही उस बेचारे की डेथ हो गई है। नर्स की हेल्प करने के लिए एक नन को भी यहाँ पर भेजा गया है और वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि 8-8 घंटे के लिए वो लोग यहाँ पर ड्यूटी देंगे। ऐसे करते करते 1-2 दिन बीत जाते हैं। इस बीच नर्स ने एक भी सेकंड जब तक वो एना के पास रही है अपनी पलके तक नहीं झपकाई है, बट स्टिल उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार एना अभी तक बिल्कुल फिट कैसे है। उसे शक होता है कि शायद उसके जाने के बाद एना चुपके से कुछ खा लेती है। इसके लिए वो उसके पूरे रूम की तलाशी लेती है, पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें वो खाने को छुपा सके। एना की मॉम को हम देख पाते हैं जिन्हें शायद एना से कुछ खास अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि आज भी वो अपने उस मरे हुए बेटे को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना वो अपनी जिंदा बेटी को नहीं देती। उनके फैमिली का हर मेंबर अंधविश्वास पर बहुत बिलीव रखता था। उनकी फैमिली का हर मेंबर ईश्वर, स्वर्ग, नरक इन सब पर बिलीव रखता था, पर ये तो कुछ नॉर्मल लोग भी रखते हैं, लेकिन इनके घर पे कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास है। छोटी छोटी चीजों पे भी ये अंधविश्वास ढूंढने लगते हैं। इसी चलते एक दिन वो एना को चेक करने के लिए जानबूझ करके उसे वॉक पे ले जाती है और बहुत दूर तक ले जाती है, पर स्टिल एना एक भी बार उससे खाने की डिमांड नहीं करती। पर फिर भी एना जरा से भी थकी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। इस बीच बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, उससे मिलते हैं, कई सारे रिपोर्टर्स भी आते हैं, उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, पर स्टिल एना बिल्कुल एनर्जेटिक थी। ये देख करके नर्स को शक होता है कि शायद वो रिपोर्टर्स या जो लोग उससे मिलने आते हैं वो उसे कुछ खाने को दे जाते होंगे। इस वजह से उसने डिसाइड किया कि अब कोई भी एना से नहीं मिलेगा। अगले दिन बिल नाम का एक जर्नलिस्ट भी नर्स से मिलने के लिए आता है और वो उसे विश्वास दिलाता है कि अगर वो एना से बस 5 मिनट ही मिल लेगा ना तो भी वो सच पता लगा लेगा, इसलिए प्लीज उसे 5 मिनट के लिए सही पर मिलने दिया जाए। लेकिन नर्स उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे जाने के लिए कहती है। इसके बाद नर्स काफी परेशान हो चुकी थी और अब वो डिसाइड करती है कि उसकी फैमिली से भी अब एना को नहीं मिलने दिया जाएगा, क्योंकि इसी चलते एक दिन नर्स ने नोटिस किया था कि जो एना की मॉम है वो अक्सर उसे लिप टू लिप किस करके जाती है। ये चीज देख करके नर्स को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर को उससे मिलने को मना कर देती है। हालांकि इस चीज से एना की मॉम काफी बवाल करती है, पर नर्स किसी की भी नहीं सुनती। एना को उसके पेरेंट्स से ना मिले हुए बस अभी 1-2 दिन हुआ था कि इसी बीच एना कमजोर फील करने लगती है। उसका एक दांत भी टूट जाता है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था, पर एना इस चीज के बारे में वो नर्स को बिल्कुल नहीं बताती। यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि बेचारी 9 साल की बच्ची एना भी कुछ अंधविश्वास में डूबी हुई है और उसकी फैमिली ने उसे इस तरह से समझा कर रखा है कि वो इन अंधविश्वासों को सच मानती है। दूसरी तरफ बिल भी कॉन्टिन्यूस नर्स से रिक्वेस्ट करता रहता है कि कम से कम एक बार उसे एना से मिलने दिया जाए। एट लास्ट वो इतना परेशान हो जाती है कि एक दिन वो एना को ले जा करके उस जर्नलिस्ट से मिला ही देती है। बिल और नर्स की थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम थी, क्योंकि वो दोनों ही साइंस पर ज्यादा बिलीव करते थे, ना कि इन सब चीजों पर। खैर, वो भी एना से बात करने की कोशिश करता है, उसे चेक करता है, पर उसे भी खास कुछ मिला नहीं। धीरे धीरे एना की तबीयत बिगड़ने लगती है और अब वो काफी कमजोर हो गई है। इस केस के बारे में और पता करने के लिए नर्स उसी गांव के डॉक्टर के पास पहुंची। वो एना के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उसे समझाते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर सिर्फ ये पता करने के लिए बुलाया गया है कि एना खाना खा रही है या नहीं,
तो वो बस अपने काम से काम रखे, बाकी की चीजों में इंटरेस्ट ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। बेचारी नर्स इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ उस छोटे से बच्चे एना की बिगड़ती तबीयत उससे देखी नहीं जा रही, इसलिए एक दिन वो चुपके से थोड़ा सा सूप ला करके एक पाइप की हेल्प से एना को पिलाने की कोशिश करती है। एना बेचारी इतनी कमजोर है पर स्टिल वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज वो ऐसा कुछ भी ना करे और उसे भूखा रहने दे क्योंकि वो व्रत पर है। ये देखकर नर्स तुरंत ही रुक जाती है और एना को सॉरी बोलती है। खैर एक दिन जब वो एना को लेकर के बिली के साथ में थी तो एना उसे एक कुएं के पास लेकर आई। बिली को इस कुएं के बारे में पता था तो वो उसे बताता है कि इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी धागा बांध कर डाल दिया जाता है तो जब तक वो धागा गलता है धीरे धीरे जो भी बीमारी आपने मानी थी वो भी खत्म होती जाती है। एना यहाँ पर बैठी ही थी कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है। बिल उसे उठा करके घर तक छोड़ता है और अब नर्स की टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खैर एक दिन जब वो बैठ करके अपना खाना खा रही थी कि तभी उसे कुछ बातें ध्यान आती है और वो भागती भागती एना के पास पहुंची। वो एना से अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है जिसमें उसने सबसे पहले पूछा कि जब उसकी मॉम उसे लिप टू लिप किस करती थी तो वो किस करती थी या कुछ और। एना बताती है कि वो उसे स्वर्ग का प्रसाद देने आती है। एक्चुअल में जब उसकी मॉम आती थी उसे लिप टू लिप किस करती थी तो वो अपने मुंह में चबा हुआ खाना लेकर आती थी और वो उसके मुंह में ट्रांसफर कर दिया करती थी। पर बेचारी 9 साल की बच्ची एना को उन्होंने ये समझा दिया था कि ये खाना नहीं है, ये स्वर्ग का प्रसाद है और इसकी वजह से तुम जिंदा रहोगी। नर्स उसे ये बात समझाने की कोशिश करती है पर एना के दिमाग में ये चीजें इतनी बुरी तरह से घर कर गई थी कि उसे नर्स की कोई भी बात समझ नहीं आती। आगे नर्स ने पूछा कि एक दिन एना बोल रही थी कि वो व्रत पर है, आखिर वो किस व्रत पर है। एना ने बताया कि वो ये व्रत किसी की सोल को नर्क से स्वर्ग में यानी हेल से हेवन में भेजने के लिए रख रही है और इस व्रत को रखने के लिए उसकी मॉम ने उससे कहा है। नर्स ने पूछा कि वो किसकी सोल को भेजना चाहती है तो एना ने बताया कि वो अपने भाई की सोल को भेजना चाहती है। एक्चुअल में एना का भाई एना के साथ गलत किया करता था और ये सारी बातें एना के पेरेंट्स को पता भी थी पर स्टिल वो उनका लड़का था इसलिए वो उसे रोकते नहीं। और एक दिन तो एना का भाई हद ही कर देता है, वो एना के साथ शादी करके आ जाता है। ये बात भी गलत थी पर स्टिल उसके पेरेंट्स उसके बेटे को कुछ नहीं कहते। खैर शादी के कुछ दिनों के बाद ही एना के भाई की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर एना की मॉम जो कि पूरी तरह से अंधविश्वास में डूबी हुई थी तो इस बात का ब्लेम वो एना को देती है और कहती है कि एना की वजह से ही उसकी डेथ हुई है तो अब उससे ही उसके भाई की सोल को हेल से हेवन में भिजवाना पड़ेगा। अब बेचारी छोटी सी बच्ची एना जो कि अपने मॉम के सिखाए हुए इस अंधविश्वास में इतना डूब जाती है कि वो उनकी बात को सच मान लेती है और तब से ही वो फास्ट में है मतलब व्रत पे है। और ये बात एना भी जानती है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बताया ही है कि उसे व्रत तब तक रखना है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती और व्रत के दौरान उसे पर डे 33 टाइम्स प्रेयर करनी पड़ेगी। ये सच जान करके एना बिल्कुल हिल जाती है पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। कम्युनिटी को ये बातें तो समझ में आएंगे नहीं पर जब कम्युनिटी उसे बुलाती है तो वो बस उन्हें इतना बता देती है कि एना खाना खा रही है और उसने उसकी मॉम को चुपके से खाना उसके मुंह में ट्रांसफर करते हुए देखा भी है। पर स्टिल उसके पास कोई सबूत नहीं था और दूसरी तरफ जो नन थी उसने कह दिया कि वो खाना नहीं खा रही है। खैर एना को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वो खाना खा रही है तो इस पर एना ने कहा कि नहीं वो खाना नहीं खा रही है, वो तो बस स्वर्ग का प्रसाद खा रही है। अब ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आधे लोगों को तो लगता है कि हाँ वो खाना खा रही है पर आधे लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो खाना नहीं खा रही है, इस वजह से कोई भी जजमेंटल नहीं निकलता। पर दूसरी तरफ नर्स अब इस केस को पैसों के लिए नहीं देख रही है, वो एना से इतना कनेक्ट हो चुकी है कि उसे एना के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वो इस चीज से उसे बचाना चाहती है। इसके लिए वो बिल की हेल्प लेती है और उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो लोग एना को किडनैप करेंगे। एक दिन नर्स एना की पूरी फैमिली को एक पूजा का बहाना बना करके उन्हें बाहर भेज देती है और जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं तो नर्स एना के पास जाकर उसे बहुत प्यार से पूछती है कि अभी तो जल्दी ही उसकी डेथ होने वाली है पर अगर उसे अगला जन्म मिले और क्या हो कि वो डायरेक्टली 9 साल की बच्ची बनकर ही पैदा हो। एना ने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। तो इस पर नर्स ने पूछा कि अगर वो 9 साल की बच्ची बनकर पैदा हुई तो वो अपना नाम क्या रखना चाहेगी, जिस पर एना बताती है कि वो अपना नाम नन रखना चाहेगी। नर्स ने पूछा कि अगर उसका पुनर्जन्म हो जाए और वो 9 साल की ही हो और उसका नाम नन रहे तब तो वो अपनी लाइफ को स्पेंड करेगी ना, इस पर एना हाँ कहती है। फिर नन उसे उस कुएं के पास ले गई जहाँ ले जाकर वो एना को आंखें बंद करने के लिए कहती है। एना बेचारी अब तक इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे कुछ चीजें याद भी नहीं रहती थी।
थी। काफी देर तक आंखें बंद करवाने के बाद जब नन उसे दोबारा आंखें खोलने के लिए कहती है तो इस बार वो एना को नन नाम से पुकारती है। एना भी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि पुरानी मेमोरी उसकी धुंधली पड़ गई थी और जब उसने नन नाम सुनकर के आंखें खोली तो उसे लगता है कि उसका पुनर्जन्म हो गया और इस बार वो खुद 9 सालों की नन बनकर पैदा हुई है। तो वो तुरंत ही उसे रिस्पॉन्स करती है, जिसके बाद नन ने उसे खाने के लिए थोड़ा सा खाना पूछा, वो भी हाँ बोल देती है और फाइनली एना खाना खा लेती है। इसके बाद घर जाकर के वो एना के घर को आग लगा देती है क्योंकि वो एना की फैमिली से बदला लेना चाहती थी। जो उसकी फैमिली ने एना के साथ किया वो बहुत गलत था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी कम्युनिटी की तरफ, जिनके सामने एना खड़ी हुई थी और उस घर में आग लगने की वजह से नर्स के खुद के हाथ भी जल गए थे। वो कम्युनिटी नर्स को चीट कर देती है और उसे उसकी सैलरी भी नहीं देती, ये बोलकर कि उसने तो ये प्रूफ ही नहीं किया कि एना खाना खा रही थी या नहीं। यहाँ से निकल करके उसे नन मिलती है और नन उसे बताती है कि जब उसका घर जल रहा था तब नन ने देखा था कि कोई इंसान घोड़े पर बैठा करके एना को कहीं ले जा रहा है। ये सारी चीजें देख करके नर्स को एक बात क्लिक हो जाती है कि उस दिन नन ने ये बात क्यों कही थी कि एना खाना नहीं खा रही है, क्योंकि ये वो समय चल रहा था जिस समय पर लोग साइंस को इतना तवज्जो नहीं देते थे और चारों तरफ लोग एक छोटी सी चीज को लेकर के भी अलग ही अंधविश्वास बना लेते थे। ये नन भी शायद उसी अंधविश्वास का शिकार थी। खैर, मूवी के एंडिंग में नर्स बिल से मिलती है जिसके पास एना थी और ये तीनों ही ये कंट्री छोड़कर सिडनी में चले जाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। ये मूवी नॉर्मल मूवी से इसलिए अलग है क्योंकि इसकी एंडिंग इस चीज के पीछे सर नहीं खपाती ये समझाने में कि क्या अंधविश्वास होता है और क्या नहीं होता है। इसके लिए तो हजारों मूवी ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये मूवी उस समय की रियल इंसिडेंट का बिल्कुल साक्षात वर्णन देती है, जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि आखिर उस समय के लोगों की मेंटेलिटी क्या थी और कैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो अगर आपको भी ये मूवी पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप हेवन हेल जैसी चीजों को मानते हैं, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो आप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियोस देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।